Actress Kangana Ranaut, who will be next seen in a bilingual film titled Jaya, which is based on the life of former Tamil Nadu Chief Minister and yesteryear actress Jayalalithaa, said that she always wanted to work in regional films. Kangana was interacting with the media on her birthday celebration on Saturday when she announced that she was all set to step into the shoes of the late Jayalalithaa. Sharing her feelings of being a part of Jaya, Kangana said, कि मुझे रीजनल फिल्म्स करने थे क्योंकि जब हम लोग तमिलनाडु जाते हैं या हम लोग आंध्र प्रदेश जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग मेनली सिर्फ उनका ही सिनेमा देखते हैं सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिसकनेक्ट विद दैट पार्ट ऑफ द कंट्री तो मैं सोच रही थी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कभी एंड दिस जस्ट केम माई वे और मैं अपनी बायोपिक बनाने की सोच रही थी उसी पर काम चल रहा था बट इनकी स्टोरी जो है बहुत सिमिलर है और बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस स्टोरी है मेरे से तो काफ़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी है और जब उसका जब मैंने नरेशन सुना तो इट इज़ सो सिमिलर दैट इधर आई कुड डू दैट और डू दिस एट दिस पॉइंट सो देन आई गेव गो हैड टू दैट तो वो शुरू करेंगे आप जी मेनली तमिल एंड देन इट विल बी रिलीज्ड इन हिंदी एज वेल बट मोस्टली इन तमिल ऑन वेदर शी विल लर्न तमिल फॉर द फिल्म शी सेड यस I will, unless I fail miserably and they will have to dub. But I will definitely learn. Titled Thalaivi in Tamil and Jaya in Hindi, the film will be directed by A.L. Vijay, one of the leading filmmakers down south. Honest report.